भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त जवान पिछले एक साल से कतार सरकार की गिरफ्त में हैं और अब उन्हें कतर सरकार ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी द्वारा वैराटी चौक पर आंदोलन कर सरकार से उन 8 जवानों को जल्द से जल्द स्वदेश लाने की मांग की गई। इस समय उपस्थित आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि एक और भारत के प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और G20 के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर कई सालों से देश की रक्षा कर रहे नौसेना के सेवानिवृत्त जवान कतर सरकार के गिरफ्त में हैं और अब तो उन्हें मृत्यु दंड की सजा भी सुनाई गई है, फिर भी सरकार सोई है, ऐसा आरोप लगाते हुए बड़ी मात्रा में नारे देते हुए उन 8 जवानों को जल्द से जल्द स्वदेश लाने की मांग की गई। इस समय जगजीत सिंह, अशोक मिश्रा, कविता सिंगल, ज्योति कन्हेरी, प्रकाश भलावी, गोविंद शेंडे, मोरेश्वर मौतेकर, केशव बांते, अहमद जवाद, अमित दुरानी, प्रज्ञाजीत सोमकुवर, दया येत्ता, संदीप कोवे, सचिन चारोटे, आकाश वैद्य, मोहक पारवे, चेतन बंसोड़, नमित सावरकर, राम मोहन चंडोक, सोनल मिश्राम, हेमंत बंसोड़, ललित कटारिया, अनिल भूरेकर, ईश्वर गजबे, रोहित इंदुरकर, मंगेश डांगरी, हरीश गुरपानी, अजय धर्मे, विनोद अल्मोदोकर, शंकर इंगोले, एडवोकेट रविंद्र गिदोड़े आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। सरकार G20, C20, P20, G20 इसी में लगी हुई है, बेल लेने देना नहीं। 3 बार हमारी बेल रिजेक्ट हो चुकी है, उनको फांसी की सजा सुना दी गई है। आज उनके परिवारों पर क्या बीत रही है, 2 जन के माँ बाप बहुत बूढ़े हैं, उसमें से 2 जन के बेटियों की शादी बगैर पिताजी के हो गई, क्योंकि उनकी शादी करके उनको जेल में डाल दिया गया। ये हालात है उनके परिवार के। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।